तो दोस्तों आज हम लोग चल रहे हैं हेलमेट लेने एक्सोर का। इस समय हम लोग हैं हरदोई की शॉप में जहां है हेलमेट ही हेलमेट। यहां पे बुलेट का बहुत अच्छा काम होता है। इतने दिनों के बाद फाइनली आज तो आ गया है हमारा एक्सोर के हेलमेट। एक्साइटेड। तो दोस्तों फाइनली एक लंबे इंतजार के बाद हमारे पास आ गया है एक्सोर का हेलमेट जो कि है मैट फिनिश में। इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं कैसा है हेलमेट। तो ये रहा हमारा हेलमेट एक्सोर। हैव अ लुक। ये इसका लेफ्ट व्यू है। इसके बैक साइड में आपको एक्सोर की ब्रांडिंग मिल जाती है और आपको 1600 ग्राम्स देखने को मिल जाता है और साथ ही AFS डॉट और ECE सर्टिफिकेशन भी मिल जाता है जो कि वर्ल्ड का सेफेस्ट माना जाता है। राइट साइड में आपको ISI का भी सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। इसमें हमें दो वाजर देखने को मिल जाते हैं, एक ट्रांसपेरेंट जो आप सामने देख रहे हैं और एक मिलता है हमारा ब्लैक जो कि अंदर है इसके। और इस स्लाइडर को आप पीछे की ओर करेंगे तो आपका सन वाइजर ओपन हो जाएगा और आगे की ओर जब करेंगे तो वो आपस से क्लोज हो जाएगा। नीचे से आपको दिखा देते हैं, चेक कर लीजिए। अच्छा सा चिन पैड है, बाहर का नॉइस है वो हमारे व्लॉगिंग के टाइम में दिक्कत ना करे। और अच्छी खासी पैडिंग है और इसके साथ में मुझे मिले हैं कुछ स्टिकर्स। एक्सोर एज अ रिफ्लेक्टर यूज़ कर सकते हैं हम। ये ब्लड ग्रुप के साइंस। ये आता है हमारा डबल डी रिंग लॉक मैकेनिज्म के साथ जो वर्ल्ड का सेफेस्ट माना जाता है। इसका वाइजर भी आप लोग अपने आप चेंज कर सकते हैं, बस आपको वाइजर पूरा ओपन करना है और इस रेड वाले बटन को नीचे प्रेस करना है और दूसरा वाइजर प्लेस कर देना है। तो अब इसका स्पॉइलर भी लगा के आपको दिखा देते हैं। और यहाँ पे हमारा लगेगा माउंट के लिए, मैंने पहले से ही मंगा रखा था। तो आइए इसकी प्रोटेक्टिव लेयर हटाते हैं और सबसे ज़्यादा अच्छा तो इसी में लगता है। ये ओपन हो गया। वाइजर ओपन करके इसका येलो कलर का स्ट्रैप भी आप निकाल दीजिए जिससे ये ऐसा दिखने लगेगा। तो अब ये प्रॉपरली चिपक चुका है। हैव अ लुक। यहाँ पे आपको टोटल 3 वेंट्स मिलेंगे, एक सामने जो ये आप देख रहे हैं और 2 ऊपर की तरफ लेफ्ट और राइट साइड में। तो ये काफी मजबूत हो गया है। Oh.
और ये बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है, बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है जरा सा भी, चाहे जितनी तेज हिला दूं। देखिए बिल्कुल नहीं गिरेगा, कुछ भी नहीं हो रहा है, जरा सा भी इधर से उधर नहीं हो रहा है। ट्राई करते हैं चल के बाहर। माइक हमारे पास है माउनो का, डेड कैट भी है, लगा दिया था अलग से लेके। पहले बताया था कि व्लॉगिंग कोई खेल नहीं है, तो जब हम अपने गोप्रो में ये माउनो का माइक फिट करेंगे तो ये लग तो जाएगा, बट इसके लिए जब हम इसको बैक करेंगे तो ये इसमें लड़ेगा इस तरह से, तो हमें थोड़े एक्सटेंशन का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये हैं वो कुछ एक्सटेंशंस जिनके मैं बात कर रहा था, तो इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग बाय कर सकते हैं। अभी मैं लगा के दिखा दे रहा हूँ। गोप्रो में लगाने के लिए हमें इसका अलग से यूज़ करना पड़ता है, तो इसको हमें अटैच करना पड़ेगा इसमें, और इसी के साथ में जो अभी लीड मेरे फ़ोन में लगी हुई है वो मैं इसमें लगाऊंगा और फिर आपको आवाज़ सुनाऊंगा। तो चलिए चेक करते हैं। गोप्रो का माइक है माउनो वाला जो गोप्रो में फिटेड है, इसी से मैंने अभी रिकॉर्डिंग की थी, तो अब देखते हैं इसकी आवाज़ कैसी आती है। तो अभी हमने जो आवाज़ सुनी वो गोप्रो मीडिया मोड और माउनो के माइक के साथ थी, जिसमें कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं आया है, आवाज़ बहुत क्लियर आ रही है। अब अभी हम लोग इसको बाइक पे टेस्ट करेंगे कि बाइक पे इसका क्या परफॉर्मेंस रहा है। अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो इसमें MRP तो 4994 लिखा हुआ है, बट मार्केट से लेने पे मुझे ये 4200 का ही पड़ गया है, तो आप लोग अगर चाहें तो मार्केट से ले सकते हैं। तो अब ये सेटअप तैयार हो गया है, अभी इसमें लड़ेगा भी नहीं, एंड वी आर रेडी टू गो। अब शुरू हो चुकी है हमारी राइड। अब मार्केट में पहुंचते हैं, फिर देखते हैं आवाज़ कैसी आती है। बस अब जिस पर्पज़ से लिया था कि वॉइस क्वालिटी अच्छी आ जाए, तो आई होप वॉइस क्वालिटी अच्छी आ जानी चाहिए। अभी आप लोग भी बताइएगा, मैं भी चेक करूँगा, फिर एक नई राइड पे चलेंगे हम लोग। एक नॉर्मल डे है आज, अच्छी खासी धूप निकली है और वेंट्स सारे बंद हैं। अब इसको थोड़ा सा स्पीड में चला के भी देखेंगे कि तब विंड नॉइस कैसी आती है। स्पीड हमारी 80 है और अब मेरी आवाज़ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है ये आप लोग बताइएगा, मैं तो सुनूंगा ही। ठीक ठाक स्पीड है तो 80 स्पीड पे आवाज़ में विंड डिस्टॉर्शन कितना आ रहा है, कैसा आ रहा है, ये सब मुझे चेक करना है। उसके बाद मैं आपको रिव्यू दे दूंगा कि मेरा सेटअप आपको लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, या आप कहीं और जाएं अदर देखें। भाई बहुत सारे व्लॉगर्स पड़े हुए हैं बहुत अच्छे अच्छे, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। अरे चाचा, तो स्पीड तो ठीक ठाक ही है 80-82, तो इसमें आवाज़ कैसी आ रही है, सही आ रही है कि नहीं आ रही है। सही आनी चाहिए, इतनी मेहनत की है, पैसे का तो कम लगता है मेहनत करता रहता है, इतना वेट हर एक चीज़ के लिए वेट करना पड़ता है, हर एक चीज़ के लिए। जितने भी एक्सटेंशन मंगाए थे उसका वेट करो, हेलमेट का वेट करो, माउंट का वेट करो। ये दर्द सिर्फ एक मोटो व्लॉगर ही समझ सकता है। हाँ, जिन्होंने मेरे वीडियोस देखे होंगे, हरदोई का पावन रोड है ये, पावन गज का दामन क्या आया। थोड़ा सा और स्पीड बढ़ाते हैं, देखते हैं 80 के बाद इसकी आवाज़ कैसी जाती है। इस समय इसकी स्पीड 90 है और विंड डिस्टॉर्शन और बैकग्राउंड नॉइस कितना आता है आप बताइए मुझे। बंदर मामा पहन पजामा, खोलने जा रहा हूँ
तो देखते हैं इसमें क्या विंड की आवाज़ आपको ज़्यादा सुनाई देगी। लेट्स ओपन इट। तो अभी मेरा वाइजर खुल चुका है और आई होप बहुत अच्छे से हवा आ रही होगी, आपको लग भी रही होगी। बंद कर देते हैं इसे। अब बंद हो चुका है। तो दोनों में क्या डिफरेंस रहा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, वाइजर का क्या रोल है विंड ब्लास्ट को रोकने के लिए।